हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्पार आईटी एक्सपर्ट चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एमएस पेंट में टेक्स्ट को ग्रेडियंट फिल करना सीखेंगे। ग्रेडियंट का मतलब होता है मल्टीपल कलर। ग्रेडियंट टेक्स्ट को फिल करने से पहले यहाँ पे हम दो शेप के बारे में पहले सीखेंगे। पहला शेप है हमारा लाइन शेप, दूसरा शेप है हमारा कर्व शेप। तो पॉइंटर को हम शेप ऑप्शन पे ले चलते। यहाँ पे पहला ऑप्शन देखेंगे, ये हमारा लाइन शेप है, इसको क्लिक करते हैं। तो लाइन शेप का काम होता है लाइन ड्रा करने का। यहाँ पे जब लाइन हम ड्रा करेंगे, जो कलर फिल होके आएगा वो कलर वन वाले ऑप्शन से उठाता है। कलर वन में देखेंगे ब्लैक फिल है, यानी कि जब हम लाइन को ड्रा करेंगे तो ब्लैक कलर से ही फिल होके आएगा। अगर हम अंडो कर लेते हैं और कलर वन का हमने कलर रेड कर दिया, अब देखेंगे जब हम लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ पे रेड कलर से आएगा। तो यानी जो लाइन हम ड्रा करें उसका कलर जो पिक कर रहा है वो कलर वन वाली टाइप से। तो यहाँ पे इसका हम कलर चेंज करके अभी ब्लैक ही रहने देते हैं। अब लाइन ड्रा करते हैं, तो सबसे पहले हम लाइन शेप को सिलेक्ट करेंगे और लाइन को हम सिंपल से ड्रा करेंगे। कभी कभी जब आप लाइन को ड्रा करते हो तो लाइन थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, और सीधी यानी स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए हम कीबोर्ड के साथ शिफ्ट बटन और माउस के लेफ्ट बटन को साथ में प्रेस करते हो ड्रैग करेंगे तो हमारी जो लाइन होगी एकदम स्ट्रेट यानी सीधी लाइन ड्रा होगी। तो जब भी लाइन आपका टेढ़ा जा रहा हो तो आप शिफ्ट साथ ड्रैग करेंगे तो आपकी एकदम स्ट्रेट यानी सीधी लाइन ड्रा होगी। पहला शेप हो गया हमारा लाइन शेप, यानी जब भी हमको लाइन ड्रा करना होगा तो हम लाइन शेप का यूज करेंगे। दूसरा शेप जो हमारा है कर्व शेप, लाइन शेप के जस्ट राइट साइड में जो दिख रहा है शेप हमारा कर्व शेप है। कर्व शेप का भी काम होता है लाइन ड्रा करना, लेकिन कर्व शेप को आप दो स्थान से उसको मोड़ सकते हैं यानी टेढ़ा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ से हम कर्व शेप को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सीधे माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हो ड्रैग करते हैं। अभी आप देखेंगे हमारा जो लाइन है वो थोड़ा टेढ़ा ड्रा हो रहा है। अगर हमने यहाँ पे शिफ्ट यूज कर लिया तो देखेंगे आप एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रही है। थोड़ा भी पॉइंटर अगर हमारा ऊपर या नीचे मूव कर रहे हैं लेकिन तब भी हमारा लाइन है वो सीधा ड्रा हो रहा है यानी स्ट्रेट ड्रा हो रहा है। तो जब भी ऐसे दिक्कत हो लाइन टेढ़ा जाए तो आप शिफ्ट बटन के साथ ही ड्रैग करना। ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे हमारा लाइन ड्रा हो चुका है, लेकिन अभी जो ये पॉइंटर दिख रहा है इसको यहाँ पे हम ला रहे हैं, इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, यानी पहला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे हम माउस के लेफ्ट बटन प्रेस करके इस लाइन को ऊपर की तरफ लाएंगे, आप देखेंगे हमारा लाइन टेढ़ा हो गया यानी मुड़ गया यानी कर्व हो गया। तो ये पहला पॉइंट हो गया, एक लाइन को हमने एक पॉइंट से मोड़ दिया। अब दूसरे पॉइंट हम यहाँ इधर आते हैं और इसको थोड़ा सा पॉइंट को नीचे की तरफ लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए ड्रैग करें। आप देखेंगे जैसे हमने यहाँ पे नीचे ड्रैग किया हमारा दूसरे पॉइंट से लाइन टेढ़ा हो गया। जैसे दो पॉइंट आप मोड़ेंगे आपका शेप ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप इसे टेढ़ा नहीं कर पाएंगे। यानी यदि आप दो पॉइंट से ज्यादा इसे टेढ़ा नहीं कर पाएंगे तो इसको दो स्थान से कहीं से भी आप मोड़ सकते हैं या एक स्थान से भी मोड़ सकते हैं। चलिए एक बार और दिखा देते हैं। सबसे पहले कर्व शेप लेना है, सीधे लाइन ड्रा करने के लिए शिफ्ट साथ ड्रा करेंगे। कहीं से भी इसको मान लीजिए यहाँ से 20 सेंटर से मोड़ना है तो सेंटर पॉइंटर लाके लेफ्ट बटन प्रेस करके ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे। आप देखेंगे हमारा जो लाइन है ऊपर की तरफ कर्व हो गया यानी मुड़ गया। तो अभी ये सिंगल कर्व हो गया यानी एक पॉइंट से हमने इसको टेढ़ा किया। अगर आप और टेढ़ा करना चाहते हैं तो एक बार आप और टेढ़ा कर सकते हैं कहीं से भी। तो यहाँ से हम चाहते हैं टेढ़ा हो जाए तो यहाँ से माउस को लेफ्ट बटन प्रेस करके हमने इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ टेढ़ा हो गया। तो यानी कि आप जब भी कर्व टूल यूज करेंगे लाइन ड्रा करने के बाद उसको दो स्थान से कहीं से भी मोड़ सकते हैं, फिर उसके बाद तीसरी बार आप उसे मोड़ नहीं पाएंगे। तो जैसे दो बार आप मोड़ेंगे ऑटोमेटिक आपका शेप ये क्या हो जाएगा, लाइन शेप आपका कर्व शेप सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद कोई भी वर्क नहीं करेगा। ये हमारे हो गए दोनों शेप, लाइन शेप और कर्व शेप। इन्हीं दोनों शेप की सहायता से आज हम टेक्स्ट को ग्रेडियंट फिल यानी मल्टीपल कलर फिल करना सीखेंगे। तो अभी इसे हम डिलीट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं, टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करते हैं और सिंपल सी से हम माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इसे ड्रैग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम फॉन्ट एरियल ब्लैक लेते हैं, इसका जो लेआउट होता है बोल्ड होता है यानी थोड़ा सा मोटा लेआउट होता है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एरियल ब्लैक। एरियल ब्लैक यूज करने के बाद फॉन्ट की जो साइज है लगभग इसे हम 180 से 200 के आसपास रखेंगे। आप अपने स्क्रीन के साइज के अनुसार टेक्स्ट की साइज को रख सकते हैं। तो अभी हम 180 या 200 के आसपास टेक्स्ट की साइज को रख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ वर्ड टाइप कर लेते हैं। अब यहाँ पे चलेंगे होम टैब में और यहाँ से उठाएंगे लाइन शेप। लाइन शेप को सिलेक्ट करने के बाद आपको कलर व्हाइट रखना है, यानी जो भी कलर आपका बैकग्राउंड का होगा वही कलर हम कलर वन का भी रखेंगे। तो यहाँ पे हम जो लाइन ड्रा करेंगे वो व्हाइट कलर करेंगे ताकि बैकग्राउंड से मैच हो जाए। तो यहाँ पे कलर वन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे व्हाइट पे कलर पे हम क्लिक कर देंगे। कलर पे क्लिक करने के बाद अब इसको हम यहाँ से इस पॉइंट से शिफ्ट बटन प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे ताकि सीधी लाइन ड्रा हो जाए, यानी टेक्स्ट के ऊपर हम सीधी लाइन को
ड्रा कर ले रहे हैं। ड्रा करने के बाद इसे ऊपर नीचे करना है तो अभी आप एरो की से अप डाउन इसे कर सकते हैं। अब हम उठाएंगे कलर फिल ऑप्शन। कलर फिल टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम रेड कलर पे क्लिक करते हैं, यानी कलर वन सिलेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पे रेड कलर को क्लिक करते हैं। अब जो भी कलर आपको फिल करना है आप सिंपल से क्लिक करके आप इसको कलर फिल कर सकते हैं। अब दूसरा कलर हम उठाते हैं यहाँ पे येलो, और अब नीचे ब्रेक करते हैं, यानी ब्लैक पॉइंट क्लिक करें तो ब्लैक जहां पे है वहीं पे कलर कर रहा है। तो ये हमने एक टेक्स्ट को दो कलर में फिल कर दिया, यानी मल्टीपल कलर में फिल कर दिया है। तो ये तो पहला मेथड, हमने एक लाइन सीधी ड्रा की और हमने फिल टूल ऑप्शन के थ्रू हमने एक टेक्स्ट को मल्टीपल कलर में फिल कर दिया है। अब दूसरा मेथड देखते हैं, तो सबसे पहले कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट और डिलीट बटन प्रेस करके इसे हम हटा देते हैं। पुनः टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सिंगल क्लिक कर देंगे तब भी टेक्स्ट टूल हमारा इनेबल हो जाता है। तो पुनः हम वर्ड को टाइप करते हैं। अभी देखेंगे हमारा, जैसे हम टाइप करना चालू किए तो हमारा कलर येलो में टेक्स्ट टाइप हो रहा है, यानी कि हमारा जो कलर वन है वो येलो है। तो इसे हम ब्लैक अभी कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप करते हैं स्क्वायर वर्ड। अब पुनः आते हैं यहाँ पे होम टैब में, अब इस बार लेते हैं कर्व शेप। तो सबसे पहले कर्व शेप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ थोड़ा सा टेक्स्ट के कॉर्नर पे आएंगे। कॉर्नर से आने के बाद यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए हम इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक लाइन को लाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंटर लाते हैं और ड्रैग करते हुए हम एंड पॉइंट पे लाएंगे। अभी आप देखेंगे जो हमारा लाइन ड्रा हो रहा ब्लैक कलर से हो रहा, तो अब हम इसे इस लाइन को व्हाइट कलर से फिल कर देंगे, यानी कलर वन का जैसे व्हाइट लेंगे तो हमारा लाइन व्हाइट कलर से फिल हो जाएगा, यानी बैकग्राउंड से मैचअप इसे हम रखेंगे। अब हम लाइन ड्रा करने के बाद इस लाइन को हम दो स्थानों से मोड़ते हैं। तो सिंपल से हम इस लाइन को यहाँ इस पॉइंट से माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए नीचे लाएंगे और फिर यहाँ से इसको थोड़ा से ऊपर की तरफ उठाएंगे। ड्रैग करने के बाद हमने पॉइंटर को रिलीज कर दिया है। अब फिल टूल ऑप्शन के थ्रू इसको हम कलर फिल करते हैं। तो यहाँ पे हमने फिल टूल सिलेक्ट कर लिया है, अब इसको हम सिंपल से कलर फिल करते हैं। अब दूसरा कलर हम सिलेक्ट करते हैं और इसे हम फिल करते हैं। आप देखेंगे थोड़ा सा हमने इसका लेआउट थोड़ा सा डिजाइन हमने चेंज कर दिया है, तो हमारा ये कलर हो गया। थोड़ा सा कॉर्नर पे यहाँ पे कलर अभी फिल नहीं हुआ, तो इसे हम ग्रीन रख के और इस कलर को थोड़ा सा फिल कर देंगे। तो ये हमारा हो गया दूसरा मेथड कलर को फिल करने का ग्रेडियंट। अब इसे हम डिलीट करते हैं कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट डिलीट बटन। अब दूसरा तरीका देखते हैं, तो सबसे पहले टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है और पेज पे आके सिंपल से सिंगल क्लिक कर देना है, टेक्स्ट बॉक्स इनेबल हो जाएगा। पुनः वर्ड टाइप करते हैं हम, तो ये हमारा स्पायर वर्ड टाइप हो चुका है। अब हम पुनः होम टैब पे चलते हैं और यहाँ से कर्व टूल लेते हैं। अब यहाँ पे हम टॉप से एकदम एक सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए शिफ्ट बटन प्रेस करके लाइन को ड्रा करें। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करना है, यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट कलर ग्रीन है और कलर वन भी क्या है ग्रीन है, यानी जब हम लाइन को ड्रा करेंगे ग्रीन कलर से ही आएगा, यानी टेक्स्ट से मैच हो जाएगा। तो टेक्स्ट से डिफरेंट लाइन हमको रखना है और बैकग्राउंड से मैच होता हुआ, तो बैकग्राउंड का कलर क्या है व्हाइट, तो हम यहाँ पे जो कलर वन है व्हाइट ही रखेंगे। टॉप से हम शिफ्ट बटन प्रेस करते हुए सीधी लाइन यानी स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ले रहे हैं कर्व शेप के माध्यम से। हम पॉइंट को रिलीज कर रहे हैं, यानी लेफ्ट शिफ्ट बटन को छोड़ रहे हैं। अब लाइन ड्रा करने के बाद हम इसे थोड़ा से ऊपर की तरफ कर्व कर रहे हैं, यानी मोड़ रहे हैं, और इधर साइड से आके इसको थोड़ा नीचे लाएंगे। तो एक सिंपल से लाइन हमारी ये ड्रा हो गई है। इस लाइन को ऊपर नीचे थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। पुनः कर्व टूल को सिलेक्ट करते हैं और पुनः एक सीधी लाइन ड्रा करते हैं उसी टेक्स्ट के बॉटम साइड में। अब पुनः इस लाइन को आप नीचे की तरफ यहाँ से मोड़ेंगे, यानी कर्व करेंगे, और यहाँ से इस लाइन को थोड़ा से ऊपर की तरफ कर्व करेंगे। फिल ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कलर रेड रखते हैं, अब फिल करते हैं। अब देखेंगे इसे हमने मल्टीपल यानी थ्री कलर से फिल कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने टू कलर्स फिल कर दिए, ग्रीन पहले से ही था तो इसे भी हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने मल्टीपल कलर में फिल कर दिया, इस बार हमने थ्री कलर्स में टेक्स्ट को फिल किया है। ये तीसरा मेथड था टेक्स्ट को मल्टीपल कलर फिल करने का। अब इसे हम डिलीट करते हैं। अब हम लास्ट मेथड सीखेंगे टेक्स्ट को ग्रेडियंट फिल करने का। उसके लिए टेक्स्ट टूल को इनेबल कर लेंगे और पेज पे ड्राइंग पेज पे सिंगल क्लिक कर देना है। यहाँ से पुनः वर्ड टाइप करते हैं, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप कर लिया है। हमें इस ऑप्शन पे आना, यानी सिलेक्शन टूल,
सिंपल से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बॉटम साइड से नीचे के सभी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, यानी कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, इसे हम यहाँ पे लाके रख देंगे। अब उठाते हैं फिल ऑप्शन और यहाँ पे कलर वन को चेंज करके यहाँ पे हमने येलो रख लिया। येलो रखने के बाद अब नीचे वाले टेक्स्ट को हम फिल करते हैं। फिल करने के बाद पुनः सिलेक्शन टूल को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे वाले टेक्स्ट को जो हमने कॉपी किया था उसे हम सिलेक्ट करके अब ऊपर माउस से हम लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे। लेकिन अभी देखेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड को भी कॉपी कर लिया है। उसके लिए इसे सबसे पहले कंट्रोल जेड अनडॉक कर लेते हैं। यहाँ पे चलेंगे सिलेक्ट ऑप्शन पे, इस एरो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिलेगा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, यानी कि बैकग्राउंड को सिलेक्ट ना करे। तो अब पुनः हम नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं जो हमने येलो कलर किया है। अब मूव करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड को इस बार कॉपी नहीं किया है। अब नीचे लाके हमें इसे सेंटर में मैच करा देना। मैच कराने के बाद आप इसे सिलेक्शन को छोड़ देना है। पुनः सिलेक्ट टूल सिलेक्ट करेंगे और इस बार टॉप से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, इसे ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे लाते हैं। इसको भी फिल टूल के मदद से इसे भी हम कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑप्शन क्लिक करने से पहले आपको इस एरो क्लिक करके चेक कर लेना आपका ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन इनेबल है कि नहीं। अगर इनेबल नहीं तो इनेबल कर लेना है। अब पुनः सिलेक्ट करते हैं इस टेक्स्ट को और ड्रैग करके अब इसे हम सेंटर में लाके सेट कर देंगे। अगर आप बीच वाले कलर को यानी ब्लू कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर बदल देना है और फिल कलर ऑप्शन के थ्रू इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। तो हमारा तीसरा मेथड हो रहा है कलर को फिल करने का। यदि वीडियो में किसी प्रकार का डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।